कैसे आपने कहा था, मैंने पूरा मॉल खाली करा दिया, बॉम्ब डिफ्यूज तो हो जाएगा ना सर। आप टेंशन मत लो, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। पीछे जाना जरा, पीछे। कहाँ पे? सेकंड फ्लोर। सर, आप लोग आ गए हैं, जरा देखना। इसमें बम नहीं, और कुछ है? बम नहीं? नहीं। Are you sure? Yes, sir. ठीक है, आप लोग पीछे। सर, संभाल के। सिम कार्ड नहीं है, मेमोरी चिप है। इसमें देखते हैं क्या है। ऑडियो फाइल है। अभिजीत बाबू कैसे हो? ये तो झिंगोरा, झिंगोरा है ये। 5 साल पहले तुमने मुझे जेल में डाला था और मैं जेल से भाग गया अपने साथियों की मदद से। फिर से लौट आया हूं। हाँ, इस बार बदला लेने नहीं, तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। अपने आप को आप लोगों के हवाले करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं मैं आप लोगों को इस तरीके से यहां बुलाया। इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का नीचे इस मॉल के बेसमेंट में, पार्किंग लॉट में। सर यहां तो कोई भी नहीं, लगता है झिंगोरा ने जाल बिछाया हमारे लिए। मैं जा चाहता हूं। Thank you.
किसी आदमी की। क्या कहना चाहता है ये जिंगोरा? सॉरी सर, मुझे एक कटी हुई उंगली देखी नहीं जा रही, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई बात नहीं, जाओ। एक्सक्यूज मी सर। और भी बहुत कुछ भेजा है इसने? चिट्ठी है सर। क्या लगा तुम सीआईडी वालों को, सिंगोरा इतनी आसानी से खुद को कानून के हवाले कर देगा? ना ना, कुत्ते की पूछ सीधी हो सकती है पर सिंगोरा कभी नहीं। खैर, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना कि तुम सीआईडी वाले मुझे समझते हो। शहर में कहीं एक जुर्म हुआ है, जुर्म की तहकीकात कर ली है मैंने और वहां पड़े सबूत तुम्हें तोहफे में भेज रहा हूं। खूनी को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सर, ये सिंगोरा चाहता क्या है? ये तो एक आतंकवादी है, तो फिर ये आतंकवादी हमारी मदद क्यों करना चाहेगा? चेतावनी दे रहा है ये सिंगोरा हमें, कह रहा है जल्दी से इस केस को सुलझाओ वरना अब तो एक उंगली भेजी है, शायद आगे चलकर और भी कुछ भेजेगा वो। मगर सर, हमें तो पता ही नहीं कि ये जुर्म हुआ कहाँ है। ये सिंगोरा तो हमें बस गोल गोल घुमा रहा है। हम ये केस सॉल्व कैसे करेंगे सर? इन सबूतों के जरिए जो सिंगोरा ने हमारे लिए भेजे हैं। सर, खून से सना हुआ चाकू, शायद इसी से ये उंगली काटी गई है सर। ये तो घंटी है, विंड चाइम की घंटी, और इस पर भी खून लगा हुआ। बच्चे का फोटो, और फोटो पर भी खून है। सर, कहीं इस बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? लगता है ये रशियन भाषा में लिखी है चिट्ठी। सर, ये सिंगोरा इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कहीं इस पूरे जुर्म में कोई रशियन नागरिक इस सिंगोरा का शिकार तो नहीं हो गया? कुछ कह नहीं सकते दया, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, उसने इसी चाकू से किसी आदमी की उंगली काटी और अब सिंगोरा में चुनौती दे रहा है। और वो आदमी जिसकी कटी हुई उंगली है शायद इस बच्चे का पिता है सर। उनके बीच हाथापाई हुई घर में जहां पे ये विंड चाइम लगा हुआ था और टूट के गिर गया। सर, ये बच्चा तो ठीक होगा ना सर? पंकज, चाहते तो हम यही है कि इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। हो सकता है खूनी इस बच्चे को अपने साथ कहीं लेकर गया हो, लेकिन इस बच्चे की मासूम जान को खतरा है। वाह, कमाल कर दिया बॉस इस बार। हा? लाश लेकर के तो नहीं आए, लेकिन इतने सारे सबूत लेकर के आए हो कि एक बार के लिए तो हम लोग भी चक्कर में पड़ गए कि जुर्म कहाँ हुआ है और किसके साथ हुआ है। यार, जानबूझकर तेरे को लाश से दूर नहीं रखा है, अब जैसी लाश मिल जाएगी भेज देंगे तेरे पास, लेकिन तब तक इस चाकू से और इस उंगली से क्या पता चला वो तो बता दे। ठीक है, तो फिर इन लोगों को पेन पेपर निकालने के लिए बोलो, क्योंकि मैं इस बार इतनी सारी बातें बताने वाला हूँ कि आप लोगों के दिमाग का हलवा बन जाएगा। अच्छा, चलिए बताइए। इस चाकू पर ये जो सूखा हुआ खून है, ये दो लोगों का है, एक आदमी और एक औरत। तो इस जुर्म में एक औरत को भी चोट आई है। हमें तो लगा था कि जिस आदमी का ये उंगली है उसी का खून लगा होगा, हर सबूत है। अगर मैं कहूं कि इस चाकू पर जिस आदमी का खून लगा है वो इस कटी हुई उंगली वाले का खून नहीं है तो ये कैसे हो सकता है सर? तो फिर ये खून किस आदमी का है? ये आप लोग पता लगा। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता सकता हूं कि इस चाकू पर जो खून लगा हुआ है वो खून इस कटी हुई उंगली को छोड़कर बाकी के सभी सबूतों पर मौजूद है। एक मिनट सर, तेरे कहने का मतलब है कि ये विंड चाइम, ये रशियन चिट्ठी और ये फोटो, इन तीनों पर जो खून लगा हुआ है वो उसी आदमी का खून है जो इस चाकू पर है? करेक्ट। और वो औरत का खून?
उस औरत का खून सिर्फ इस चाकू पर लगा हुआ है, आदमी के खून के साथ मिक्स्ड है। बाकी के किसी भी सबूत पर, किसी भी जगह पर उस औरत का खून मौजूद नहीं। मतलब जिस आदमी की उंगली कटी है उसका खून चाकू पर जिस आदमी का खून है उससे अलग है? हाँ। इसका मतलब सर ये कटी हुई उंगली इस चाकू से नहीं काटी गई है, किसी और चाकू से काटा गया? नहीं दया, उंगली तो इसी चाकू से काटी गई है, इस ही चाकू से। यार सवाल के तू घुमाना फिराना बंद करो, साफ साफ बता। सर सर खूनी ने ये वाली उंगली काटी इसी चाकू से, उसके बाद उसने ये वाला चाकू पानी से धो दिया और इस पे जो खून के निशान थे वो मिट गए। फिर उसने और दो लोगों पर हमला किया, एक आदमी और एक औरत पर, और अब जो चाकू पे निशान है वो उनके है। मतलब दो आदमी और एक औरत पर हमला हुआ है इस गुनाह में? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खूनी ने पूरे परिवार को ही मार दिया, माँ बाप और बच्चे को? नहीं देखा, प्लीज ऐसा मत कहो। इन बाकी के सबूतों पर एक बच्चे का खून लगा हुआ है ये सोच करके भी रूह कांप जाती है। अब अगर इस चाकू पर उंगलियों के निशान तो होंगे ना? हाँ सर, दो निशान मिले, एक आदमी का और एक औरत का, लेकिन वो निशान हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से मैच नहीं करते। अच्छा तो फिर इस आदमी के निशान और इस औरत के निशान और फिर इस चाकू पर जो खून है ये दोनों का डीएनए टेस्ट करके तो बता सकता है ना कि वो दोनों निशान इन्हीं लोगों के हैं? नहीं बता सकता बस, क्योंकि इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान लगे हुए हैं वो सूख चुके हैं, दो दिन पुराने हैं, इसलिए बताना मुश्किल है। मतलब कुल मिला के इस जुर्म में 5 लोग शामिल हैं, 3 वो जिनके खून मिले हैं और 2 उंगलियों के निशान वाले हैं। बिल्कुल। सरुके साहब चाकू पर जिस आदमी के निशान हैं कहीं ये कटी उंगली वाला ही तो नहीं है? आपने चेक किया क्या? सचिन फॉरेंसिक लैब में बैठ करके हम लोग सरसों का साग नहीं बनाते समझे, सबसे पहले वही चेक किया था मैंने, और चेक करने के बाद ये पता चला है कि इस चाकू पर जो उंगलियों के निशान हैं वो इस कटी हुई उंगलियों के निशान से मैच नहीं करते। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो में बच्चे की फोटो दे दी है पर सर किसी ने उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। और रोबिन चाइम्स उसके बारे में बाजार में पता चला? यस सर, मगर वो डिजाइन बहुत आम है सर, हर दूसरी दुकान पर मिलता है, कुछ खास पता नहीं चला सर उससे। तो फिर बचती है वो रशियन भाषा में लिखी चिट्ठी, रशियन भाषा में लिखी चिट्ठी। Корова. Корова очень полезное животное. Корова имеет 4 ноги, 2 рога и длинный хвост. What does it mean? It essay about cow. गाय के ऊपर निबंध? सर कहीं इस निबंध में कोई कोड तो नहीं छुपा है जिसके जरिए जिंगोरा हमसे कुछ कहना चाहता हो? एक मिनट I know this writing. You know this writing? Yeah. Aditi, please come here. It is Rajiv writing. हाँ सर, ये तो राजीव की ही राइटिंग है। राजीव? ये राजीव कौन है? सर, एक्चुअली राजीव हमारे साथ पढ़ता था और वो और उसकी वाइफ शिल्पा इधर रशियन सीखने आती थी पर पता नहीं 2-3 दिन से वो आ नहीं रहे। अच्छा, तो जरा फोन लगाना। गौतम देख जरा कॉल लगा। राजीव और शिल्पा के रशियन सीखने की कोई खास वजह मालूम है? एक्चुअली सर राजीव के ऑफिस वालों ने ना राजीव का रशिया ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए राजीव और उसकी वाइफ दोनों हमेशा हमेशा के लिए रशिया जाने वाले हैं। नहीं सर, दोनों के फोन बंद आ रहे। फोन बंद है? इनके कोई बेटा भी है राजीव और शिल्पा का? हाँ सर है, सारान 6 साल का बच्चा है उनका। ये उनका ही बेटा है? मालूम नहीं, हमने कभी नहीं देखा। राजीव का एड्रेस मिल सकता है? ये सर मैं अभी लेके आता हूँ, जल्दी लेके आओ। सर मुझे लगता है इस घर में कुछ बहुत भयानक मिलने वाला है।
लगता है सही जगह पे आ गए हैं। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ब्लड सैंपल ले लो। यस सर। सर ये वही बच्चा है सारांश जिसकी फोटो हमें एविडेंस बैग में मिली थी और ये शायद उसके माँ बाप है शिल्पा और राजीव। देखो और क्या मिलता है। ये देखिए सर इधर भी कांच के टुकड़े और खून पड़ा हुआ है। किसी कांच की चीज से मारा गया है। सर यहां दीवार पर भी खून के निशान है। चारों तरफ खून फैला हुआ है। सैंपल ले लो इसका। सो सर सर कुछ लेटर्स मिले रशियन लैंग्वेज में। इस पर भी खून लगा हुआ है। हुआ क्या है यहां पे? एविडेंस बैग में डालना है सर। तो लगता है राजीव और शिल्पा की मैरिज एनिवर्सरी थी। चौदह मई मतलब दो दिन पहले। ये देखिए खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं। पहले उसने सीआईडी का एविडेंस बैग इस्तेमाल किया और अब ये क्राइम टिप। सारी चीजें चिंगारों के हाथ लग कैसे रही हैं? तो यहां से भी लाशें गायब सिर्फ बॉडी की मार्किंग की गई है। बिल्कुल वैसा ही विंड चाइम है जैसा कि उसने ब्यूरो भेजा था। सिंगारों का होगा या राजीव या शिल्पा में से किसी का हो सकता है। सर हाँ सर जल्दी ऊपर चलिए बच्चे के कमरे में। बच्चे का क्या हुआ मालूम है? खून से लिखा हुआ है। ये?
लाशें बहुत कुछ बता देती है। ये सिंगोरा, अगर बच्चे को कुछ हुआ छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। पारुल मुझे बचाओ। सर कहीं पारुल सारांश की क्लास में तो नहीं पढ़ती थी? सकता है, मतलब सारांश को पहले से पता था उसका परिवार खतरे में है। तीन लोगों का खून मिला था, दो लोगों का चाकू पर और एक का उंगली पर। हाँ हाँ सर, दो आदमी के और एक औरत का। लेकिन प्रॉब्लम यह बॉस कि क्राइम सीन पर चार लोगों का खून मिला है, दो आदमी के और दो औरत के। ये राजीव और शिल्पा के घर में कोई और भी है क्या, कोई औरत? नहीं सर, बस ये तीनों ही थे, शिल्पा, राजीव और उनका बेटा सारांश। तो फिर ये खून किस औरत का हो सकता है सर? हो सकता है खूनी कोई औरत ही हो। जब वो परिवार वालों पर हमला कर रही थी तब हाथापाई में चोट आई होगी उसे। बस एक बात अच्छी है सर कि हमें वहां पे किसी भी बच्चे की लाश का चौक का निशान नहीं मिला, तो अब ये उम्मीद है कि सारांश जिंदा होगा। बिल्कुल लिया, ये बात तो है, पर पता नहीं बेचारा बच्चा किस हाल में होगा, कहां छुपा के रखा होगा उसे इस जिंगोरा ने। यार सारांश के मुझे कॉन्टैक्ट लेंस मिली थी, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, फर्श के ऊपर गिरने की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो गया। हाँ जी, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, देखता हूँ। सालू साहब टीवी ऑन कीजिए, न्यूज चैनल लगाइए जल्दी। हमारे सूत्रों के मुताबिक खतरनाक बुखार आतंकवादी जिंगोरा की 5 दिन पहले गोली लगने से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि जिंगोरा के गुट के ही कुछ लोगों ने उसे साजिश का शिकार बनाया और मारकर उसकी लाश जंगल में छोड़ दी। वहीं उन्हें इस बात का डर है कि जिंगोरा गुट का नया प्रमुख जल्द ही अपनी छाप छोड़ने के इरादे से देश के खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। मैं रश्मि टीवी न्यूज, कैमरामैन राजेश के साथ। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जिंगोरा 5 दिन पहले मर गया है तो हमारे साथ ये खेल कौन खेल रहा है? सुनके ये खून 2 दिन पहले हुआ है ना? हाँ बॉस। सर 2 दिन पहले का खून और 5 दिन पहले मरा हुआ मुजरिम, मतलब जो कुछ भी हुआ है उसमें जिंगोरा का जरा भी हाथ नहीं। ये तो कोई और ही है जो जिंगोरा की आड़ लेकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा पारुल बेटा, आप एक बात बताओ, आपके इस क्लास में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? सारांश। सारांश? मुझे पता था। बेटा सारांश कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहा? 3 दिनों से, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। देखो हम लोग प्रॉमिस करते हैं सारांश को बहुत जल्द तुम्हारे पास लेके आऊंगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि सारांश ने आपकी नोटबुक पे ये क्यों लिखा? पारुल मुझे बचाओ। उसे एक आंटी से बहुत डर लगता था। डर लगता था? कौन कौन आंटी है? कोई रागिनी आंटी। रागिनी आंटी? और क्यों क्यों डरता था वो रागिनी आंटी से? वो ना उसके घर पे आके झगड़ा करती थी। झगड़ा करती थी? अच्छा ठीक है, अभी आप आइसक्रीम खाइए, जैसे ही सारांश मिलेगा पटाख से आपके पास लेके आएंगे। हैं? थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। रागिनी आंटी। सर वो क्राइम सीन से जो हमें चौथा खून मिला था उस अनजान औरत का, कहीं वो रागिनी का तो नहीं? हो सकता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये रागिनी आंटी है कौन। नहीं सर, मोबाइल कंपनी से राजीव और शिल्पा दोनों के पिछले 1 साल के रिकॉर्ड चेक कर लिए हमने। ना कभी किसी रागिनी का फोन आया था और ना ही कभी किसी रागिनी को फोन किया गया था। सर राजीव और शिल्पा के घर से जो टेलीफोन डायरेक्टरी मिली थी उसमें रागिनी का कहीं भी नाम नहीं सर। ये भी तो हो सकता है ना कि रागिनी राजीव और शिल्पा की दोस्त ना हो बल्कि किसी दोस्त की दोस्त हो।
या फिर ऑफिस की कलीग भी तो हो सकती है। रागिनी? नहीं सर, यहां पर इस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती। अच्छा एक बार बताइए, क्या शिल्पा का ऑफिस में किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह काम करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपके ऑफिस में कोई छुट्टी पे गया है? हाँ सर, 14th मई, 14 मई से प्रेम काम पे नहीं आ रहा है। 14 मई? सर, शिल्पा और राजीव की वेडिंग एनिवर्सरी, उसी रात को उनका खून हुआ था। ये प्रेम काम पर क्यों नहीं आ रहा है, कुछ बताया उसने? पता नहीं सर, वो तो अपना फोन भी नहीं उठा रहा, बस उसने ईमेल पर अपना इस्तीफा भेज दिया। अचानक नौकरी छोड़ने की कोई वजह भी नहीं बताई उसने। ईमेल पे अपना इस्तीफा भेज दिया? हाँ सर, एक और बात, पता नहीं आपको इससे फायदा होगा या नहीं, पर प्रेम की पत्नी का नाम रागिनी है। क्या? रागिनी? प्रेम की बीवी का भी नाम रागिनी? इसकी उम्मीद थी वही हुआ, प्रेम है ही नहीं करते। इस गुनाह में उसका हाथ जरूर है। एक्सक्यूज मी, किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? प्रेम और रागिनी का घर यही है ना? हाँ। कुछ अंदाजा है आपको रागिनी और प्रेम कहाँ गए? पता नहीं, 2-3 दिन से तो देखा नहीं। पर आप लोग कौन हैं? हम लोग दोस्त हैं उनके। आप लोगों को पहले यहाँ कभी देखा तो नहीं है? वो एक्चुअली हम लोग इस शहर में नए हैं। मैं फोन करके आती। जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। आप? मैं प्रियंका, मैं इनकी नेबर हूँ, वो सामने वाला घर मेरा ही है। अच्छा अच्छा, ये मेरा कार्ड है, जैसे ही वो लोग मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर, थैंक यू। निखिल बाहर आ जाओ। सर, किचन के अंदर से चाकू का सेट मिला है। सर, बिल्कुल ऐसा ही चाकू का सेट है जो हमें एविडेंस बैग में मिला था। इसमें से एक चाकू गायब भी है सर। मतलब इस सबके पीछे प्रेम का ही हाथ है। हाथापाई में उसकी एक उंगली कट गई, छुप के कहां बैठा ये प्रेम? सर आखिर मुझे लगता है तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी वजह से हुआ था। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम गुस्सा होती ना तो तुम खुद को पता नहीं होता तुम क्या कर रही हो। मैम, आपका ऑर्डर। क्या है ये? हमारे रिसोर्ट की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। ओह, थैंक यू। क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये सीआईडी की तरफ से आपके लिए तोहफा। सीआईडी? जल्दी में हो, हैं? भाग कहाँ रहे हो? पर आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल से। शिल्पा और राजीव का खून करने में उंगली कट गई तुम्हारी, हैं? सर, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मेरी उंगली काटी और राजीव का खून भी इसी ने किया। पापा, मम्मी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? बेटा बहुत टाइम लगता है आपकी मम्मी को। शिल्पा, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक उतनी ही खूबसूरत जितनी 10 साल पहले। मम्मी पापा, आप दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। हाँ बेटा, मगर मैं तो सिर्फ 6 साल का हूँ। कोई बात नहीं, 4 साल बाद आप भी 10 साल के हो जाओगे। अरे
अब तुम कहाँ जा रहे हो? I have surprise for you. मैंने रशियन में तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ. चलो चलो देखते हैं. अरे इस वक्त कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया था क्या? नहीं. मैं देखती हूँ. ओके. रागिनी तुम? सरप्राइज सरप्राइज. वाओ एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है. वैसे बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर इतनी भी बदतमीज नहीं. ऐसे खास मौके पर खाली हाथ आ जाओ. ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी के. ओ कम ऑन, हैप्पी एनिवर्सरी. बेटा आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में बुला रहे, ठीक है? क्यों आई हो तुम यहाँ? अरे रे रे रे, मेहमानों से कोई ऐसी बात करता है? पहले गिफ्ट तो खोलो. नो थैंक्स. अपना ये गिफ्ट पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से. जानती हो मुझे भगाने की बहुत जल्दी है तुम्हें. आई प्रॉमिस एक बार तुम ये गिफ्ट खोलो मैं पक्का यहाँ से चली जाऊंगी. चुकानी पड़ी उसे. मैं अपनी पति की उंगली काट दी? कैसी औरत हो तुम? बहुत ही खतरनाक टाइप की औरत हो. और अब तुम्हारी बारी, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. शिल्पा तो मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, सिर्फ मैं उसे पसंद करता था, और इसी की वजह से ये रागिनी ने उसकी जान ली. सर शिल्पा ने आत्महत्या क्यों की? माना राजीव मर चुका था, पर सारांश, शिल्पा ने अपने बेटे के बारे में सोचा तक नहीं. सारांश? सारांश कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसका? हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर, हम तो वहां से भाग निकले थे. पर वो चुनौती, जिंगारों का नाम लेकर चुनौती भरी चिट्ठियां क्यों भेज रहे थे हमें? चुनौती चिट्ठियां? सर, सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया. हम क्यों ऐसा करेंगे? हम क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? कि तुम लोगों में से कोई लेंस पहनता है क्या? नहीं तो. नहीं सर. शिल्पा या राजीव? नहीं सर, शिल्पा तो नहीं पहनती थी. तो वो लेंस जो हमें क्राइम सीन पे मिला था, कहीं उस खिलाड़ी का तो नहीं जो ये चुनौती का खेल खेल रहा है? और मुझे पता चल गया है वो खिलाड़ी कौन है. ओहो, तो आप हैं प्रेम के पड़ोसन मिस प्रियंका कुमार. आप जानते हैं इसे सर? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं इन्हें. अभिजीत, ये प्रियंका सीआईडी बनने के लिए आई थी, लेकिन हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट किया पूर्वी को. चलिए अच्छा है एसीपी सर, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने ये सब क्यों किया. अच्छा अच्छा, इसीलिए ये सीआईडी ऑफिसर बनने की नकल कर रही थी. क्योंकि एसीपी सर ने कहा था कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लायक नहीं. उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, और तो और मुझे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना आता. बस एक झटके में मेरे बचपन का सपना चकनाचूर कर दिया. और मेरी जगह किसको सिलेक्ट किया? इसे, पूर्वी को. हां, पूर्वी को सिलेक्ट किया हमने, और हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही था. समझी? पूर्वी, अरेस्ट करो इसे. सर,
आपने मुझे नकारा है, बस उसी दिन से मैं मौके की ताक में थी। और फिर मैंने रागनी का वो प्लान सुना और बस उसके पीछे पीछे शिल्पा के घर पहुंच गई और जिंगोरा के आड़ में मैं आप लोगों को चुनौती देती गई। ये तो तुम्हारी बदकिस्मती कि जिंगोरा के मरने की खबर हमें मिल ही गई। बस तभी मेरा प्लान फेल हो गया, वरना उसे ढूंढने के चक्कर में आप लोग सब उलझे रहते। और वो जिंगोरा की आवाज, वो कैसे निकाली? अभिजीत बाबू कैसे हो? जिंगोरा है एक डबिंग आर्टिस्ट से। अगर वाकई तुम में सीआईडी बनने का हुनर होता ना, तो उन दो बेचारे राजीव और शिल्पा उन दोनों की जाने बचाती, सबूतों का इंतजार नहीं करती। बताओ कहां इन दोनों की लाशें? जंगल में दफना दी। और कारण? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। जब प्रेम और रागनी वहां से भागे थे तो सारांश अपने कमरे में ही था। क्या किया उस मासूम के साथ तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मैं वहां थी, मैं उस कमरे में भी गई थी, पर वो बच्चा वहां नहीं था। अभिजीत, अगर ये सच कह रही है तो फिर सारांश है कहाँ? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।